देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह पूरे जनपद के थानों में साफ सफाई को लेकर काफी संवेदनशील दिख रहे हैं। जनवरी माह से वार्षिक निरीक्षण को लेकर देवरा थाने पर पहुंचकर हर पहलू का बारीकी से निरीक्षण करते हुए लकड़ी से लदे ट्राली को वन विभाग के सुपुर्द कर थाने की जगह को खाली कर उसी क्रम में थाने परिसर में कई वर्षों से कागज के अनुरूप नीलामी कराने का आदेश थानाध्यक्ष अखिलानंद उपाध्याय को दिया। खाली करने का निर्देश देते हुए बाउंड्री वॉल लगाने की बात कही। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से संवाददाता धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। देवरुआ थाना जो 1887 का है, वार्षिक निरीक्षण जनवरी महीने के बाद किया जाता है और 1/3 थानों में से एक थाना देवरुआ है, इसका किया गया। यहाँ इस थाने की सफाई व्यवस्था जो 4 महीना पहले और आज के अंतर आप देख रहे हैं, उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था है। जो सरकारी संपत्ति, माल मुकदमाती, रजिस्टरों का रखरखाव, लेआउट सब कुछ बहुत अच्छा है और थाना प्रभारी ने इस थाने को पहले और अब में बहुत अंतर कर दिया। थाना परिसर में जो आप वाहन देख रहे हैं, कुछ मुकदमों के हैं, कुछ लावारिस वाहन हैं, कुछ आरटीओ द्वारा, तो करीब करीब थाने के बाहर और अंदर, इसका इनको निर्देशित किया गया, इनकी सूची बना रहे हैं और इनके नीलामी की कार्रवाई और जो मुकदमे से संबंधित वो वाहन तो रहेंगे, शेष वाहनों को नीलामी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरीके से जो लकड़ी आप देख रहे हैं, 10 मुकदमे लकड़ी के हैं, भारी भारी गोटे पड़े हुए हैं, कोर्ट से आदेश करा करके, क्योंकि वो खराब हो रहा है तो उसको नीलामी वन निगम के माध्यम से उसकी भी नीलामी कराई जाएगी, तो थाना और भी साफ सुथरा और सुंदर हो जाएगा। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।